अगर आपको बार बार सर्दी होती है, मौसम बदलने पर आसानी से सर्दी हो जाती है, बारिश में भीगने से सर्दी की तकलीफ़ होती है जिसमें अनेक सिम्टोम्स हो सकते हैं, आपको छींके आती है बार बार, नाक बंद हो जाता है, नाक से पानी बहता है या तो गाढ़ा म्यूकस निकलता है, साथ में बुखार भी आ सकता है, तो इस तरह के लक्षण हैं आपके जो बार बार होते हैं और ट्रीटमेंट कराने से कुछ समय के लिए ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर से रिपीट होते रहते हैं, तो आपको क्रोनिक कोल्ड की शिकायत है। और इसकी मुख्य वजह है कि जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो गई है, वीक हो गई है, खास करके आपका जो ये नाक का हिस्सा है और उसके रिलेटेड जो हिस्सा है वहाँ पर जो इम्यूनिटी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही है, वो ओवर सेंसिटिव हो गई है, इस वजह से ये बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है। तो हम इस वीडियो में इस बीमारी की जड़ पे काम करके इससे आपको हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने में बहुत ही यूजफुल ऐसी दो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अल के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है, या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं, तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम वह दो होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में जानते हैं जो आपके डिजीज की ट्रीटमेंट में और आपके डिजीज की जड़ों को नष्ट करने में बहुत ही यूजफुल है। इसके लिए जो फर्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है र्यूमेक्स क्रिस्पस 30CH डाइल्यूशन। जी हाँ, इसे हमें 30CH डाइल्यूशन में यूज करना है। और इसके साथ में जो सेकंड मेडिसिन हमें यूज करनी है उसका नाम है फिकस इंडिका 30CH डाइल्यूशन। जी हाँ, ये दोनों दवाइयों को 30CH लिक्विड डाइल्यूशन में हमें यूज करना है। इनमें से कोई भी मेडिसिन को अकेले यूज करके या वन बाय वन यूज करके रिजल्ट नहीं आने वाला है। बेस्ट रिजल्ट के लिए इन दोनों दवाई को साथ में शुरू करना है और यूज करना है, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इस मेडिसिन को कितने मंथ तक लेना है, आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र है, कितनी पुरानी है और आपको ये दो महीने में मेडिसिन द्वारा कितना फर्क पड़ा है, इन तीन फैक्टर्स पर यह दवाई को कंटिन्यू करना कि नहीं करना इसका आधार होता है। इसलिए दो महीना यह दवाई लेने के बाद में आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र थी और कितनी पुरानी थी, और यह भी बताइए कि यह दो महीने की मेडिसिन लेने के बाद में आपको कितना और कैसा फर्क पड़ा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये मेडिसिन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और कंटिन्यू करना है तो कितना करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस दवाई को हमें कैसे लेना है और कितना लेना है। तो इसके लिए पहले हमको 5 चम्मच पानी को लेना है, 1, 2, 3, 4 और 5। आप चाहे तो पानी के 4-5 चम्मच ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमको पहली बोतल में से दवाई के 5 ड्रॉप्स इस पानी के कटोरी में ले लेने हैं। अगर 1-2 ड्रॉप ज्यादा भी गिर जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, अब दूसरी बोतल में से भी हम इसी पानी में 5 ड्रॉप्स दवाई के ले लेंगे। इसी तरह से दोनों दवाई के 5-5 ड्रॉप्स हमने लिए हैं और 5 टीस्पून यानी 5 चम्मच पानी को लिया है। कोई भी एक सादी कटोरी आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्लास्टिक की हो या कोई भी मेटल की हो, नो प्रॉब्लम। और फिर इस दवाई को पी लेना है। इन दोनों मेडिसिन को दिन में 3 बार इसी प्रकार से लेना है। और हाँ, इस दवाई को कुछ खाने के 1/2 आवर यानी आधा घंटा पहले या तो फिर कुछ खाने के 1/2 घंटा बाद में आप ले सकते हैं। यह जो डोज बताया उसे हमें लंबे समय तक इसकी जड़ों को नष्ट करने के लिए यूज करना है। लेकिन अगर आपको अभी तकलीफ ज्यादा हो रही है, उससे आप परेशान हो, इससे तुरंत राहत पाना चाहते हो, तो इसका डोज आप डबल कर दीजिए, यानी दोनों मेडिसिन के 10-10 ड्रॉप्स आपको लेने हैं और पानी की मात्रा को भी आप डबल कर सकते हैं, और इसे दिन में 3 के बदले 4-5 बार आप ले सकते हैं।
इवन जरूरत पड़े तो इसको हाफ आवर के बाद में भी आप रिपीट कर सकते हैं। इस दवाई को आप किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या तो आप चाहे तो ऑनलाइन भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहां से आप इसको घर बैठे और कुछ डिस्काउंट में भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ऑनलाइन किस वेबसाइट से ये दवाई डिस्काउंट में प्राप्त होती है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इस दवाई को कितना लेना है, कैसे लेना है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसके साथ में होम्योपैथिक दवाई लेने के और भी कुछ नियम है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप आई बटन दबाओगे तो वहां पर भी आपको वह वीडियो मिल जाएगा, तो उसे भी आप अवश्य देखिए। अगर आपकी बीमारी अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट कराने पर या लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, या तो आपको कोई बड़ी बीमारी हुई है, तो आपको डिजीज को ठीक होने में बाधा पैदा करने वाले दो सबसे बड़े डिजीज बूस्टर्स के बारे में जानना होगा। जी हाँ, यही डिजीज बूस्टर है जो अधिकतर लोगों को ठीक होने में बाधा पैदा करते हैं और अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट को भी फेल कर देते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट डिजीज बूस्टर के बारे में जानते हैं जिसका नाम है टॉक्सिन ओवरलोड। जी हाँ, जब किसी कारणवश हमें जो बीमारी हुई है उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स है उसके अंदर और उसके सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स का ओवरलोड हो जाता है, टॉक्सिन्स अधिक मात्रा में इन सेल्स के अंदर जमा हो जाते हैं, तो यह सेल्स वीक होने लग जाते हैं, टॉक्सिन से भरे हुए हो जाते हैं, जिस वजह से इनके अंदर न्यूट्रिशन और मेडिसिनल एलिमेंट्स का प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से रोग जल्दी ठीक नहीं होते हैं, अच्छे से अच्छी दवाई भी फेल होने लगती है। और इस टॉक्सिन ओवरलोड से दूसरा नुकसान यह होता है कि सेल्स का जो प्रोटेक्शन है वो भी वीक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इनके अंदर जर्म्स और अन्य डिजीज पैदा करने वाले एलिमेंट्स का भी आसानी से प्रवेश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दूसरी बीमारी का कॉम्प्लिकेशन भी होना आसान हो जाता है। और अब हम जानेंगे सेकंड डिजीज बूस्टर क्या है। वो है हमारी जो हीलिंग पावर है उसका वीक होना, यानी हमें ठीक करने वाली एक पावर, एक शक्ति हमारे अंदर ही है, लेकिन जब किसी कारणवश ये जो इनर हीलर है, इनर हीलिंग पावर है, वह खुद बीमार हो जाता है और वीक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आपको बीमारी की जड़ों को नष्ट करना है तो आपको अपनी जो रिमेडी सिस्टम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। तो ये रिमेडी सिस्टम क्या है? रिमेडी का सिंपल सा मीनिंग है मेडिसिन या दवाई जो आप इस्तेमाल करते हो, तो आप जो दवाई इस्तेमाल करते हो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या लाना है हमें, तो उसके लिए सिंपल सा है, आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो भी ट्रीटमेंट आपको योग्य लग रहा है वो कीजिए, लेकिन उसके साथ में ये जो हीलर है या तो आपका हीलिंग पावर है उसको और जो आपकी डिटॉक्स की प्रक्रिया है उसको बूस्ट करने के लिए भी रेमेडी लेना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको दो पावरफुल हीलिंग और डिटॉक्स बूस्टर बताने वाला हूँ जो पूर्ण रूप से सेफ है, और ये है होम्योपैथिक रेमेडी और होम रेमेडी के रूप में। तो चलिए सबसे पहले हम हीलिंग एंड डिटॉक्स बूस्टर होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में जानते हैं, और इस रेमेडी का नाम है फिकस इंडिका। जी हाँ, यह एक ऐसी रेमेडी है जो हीलिंग प्रोसेस को और डिटॉक्स की प्रोसेस दोनों को बूस्ट करने के लिए जबरदस्त काम करती है, आपको मदद करती है। और इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको जो मेन डिजीज की दवाई बताई है उसके साथ में फिकस इंडिका यह दवाई लेने को भी कहा है। तो इसकी जो वजह है वो यही है कि यह जो रेमेडी है वो आपकी हीलिंग और डिटॉक्स की प्रक्रिया को बूस्ट करती है, जिस वजह से आपकी ठीक होने की स्पीड और संभावना बढ़ जाती है। और इसके साथ में जो हमें होम रेमेडी यूज करनी है उसका नाम है सिनेमोन टी, यानी दालचीनी की चाय। जी हाँ, यह भी एक पावरफुल हीलिंग और डिटॉक्स की प्रक्रिया को बूस्ट करने वाली होम रेमेडी है। इस चाय को किस प्रकार बनाई जाए और किस प्रकार ली जाए इस बारे में भी डिटेल में जानकारी देने वाला मेरा एक अलग वीडियो है, तो उसे आप खास देख लीजिए, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन के वहाँ मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप अपनी इस हीलिंग की प्रोसेस और डिटॉक्स की प्रोसेस को पूर्ण तरह से बूस्ट करना चाहते हो और अपने डिजीज फ्रीडम के साथ में हेल्थ के लेवल को भी बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं एक
वीडियो सीरीज तैयार कर रहा हूँ जिसमें डाइट, रिमेडी सिस्टम, एटीट्यूड, माइंड और लाइफस्टाइल इन चारों लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन लाके हम इस हीलिंग और डिटॉक्स की प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से या पूर्ण रूप से बूस्ट करते हैं और जिसका जो परिणाम आता है वो एकदम मैजिकल आता है। तो इस वीडियो सीरीज के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन को और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि इस सीरीज के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।